सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदी राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मजहब के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समय की कमी से मैं सावरकर जी का वो उद्धरण पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। सावरकर जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में ना हिंदू राज्य होगा ना हिंदू राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो सबकी चिंता करेगा, सबके साथ न्याय करेगा। मगर उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। राष्ट्र और राज्य में अंतर है, यह अंतर हमें स्पष्ट करना चाहिए। सावरकर जी के विचारों को लेकर बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। मुझे खुशी है इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए सूचना मंत्री श्री गाडगिल आए थे। मुझे वो दिन भी याद है जब रेडियो से सावरकर की कविता नहीं सुनाई जा सकती थी। वक्त बदल गया है, जादू सर पर चढ़कर बोल रहा है, महापुरुषों की कोई ज्यादा दिन तक उपेक्षा नहीं कर सकता। राजकारण की वजह से सावरकर की उपेक्षा हुई, सावरकर का हमने सही मूल्यांकन नहीं किया। मैंने तो बहुत कम उम्र में सावरकर जी को देखा था, सुना था। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।